The story of GR Infraprojects Limited is nothing short of a Bollywood blockbuster. In fact, it has a Bollywood-like beginning. Let's listen to the chairman himself as to how he was sent to Bangalore to study engineering and what happened after that. तो मेरे को 12th के बाद इंजीनियरिंग करने बेंगलोर भेजा था उन्होंने, तो मैं एक मतलब एवरेज स्टूडेंट था, तो बोले बेंगलोर में कुछ ले दे के एडमिशन हो जाता है वहाँ, तो मेरी ले दे के हाँ वहाँ होता था सब, उसको सभी जगह खुल गई है दुकानें वहाँ, वो कुछ होता था ना साहब कैपिटेशन फीस वगैरह वहाँ, तो मैं छोटे गांव से गया तो वो वहाँ बड़े बड़े हॉल देखे पिक्चर हॉल, तो 5-7 पिक्चर देखकर वापस आ गया था। पिताजी ने जो पैसे दिए थे खर्च वर्च करके और वापस आ गया, मेरे को इंजीनियरिंग नहीं करनी है, मेरा तो आपके साथ काम ही करना है। उसके बाद काम में लग गया, लेकिन मेरा छोटा भाई इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं किया आपने? मतलब अरे इंजीनियरिंग तो स्कूल के आगे से घूम के आ गया, अंदर ही नहीं गए कॉलेज के। अच्छा तो लेकिन उसके बाद मेरा छोटा भाई है राजेंद्र, उसने अच्छे सिविल इंजीनियरिंग किया उसने, और हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। हाउ डिड यू योर फैमिली गेट दिस आइडिया ऑफ स्टार्टिंग दिस बिजनेस? ये मेरे पिताजी श्री घुमानी राम जी अग्रवाल, वो उनका ये आइडिया था। ये जो बिजनेस है उन्होंने 1965 में शुरू किया था। मेरे पिताजी चुरू जिला जो एक्सट्रीम एकदम हॉट गर्मियों में और सर्दियों में एकदम लेस देन 0 डिग्री पे टेम्परेचर जाता है, पूरा डेजर्ट एरिया है, तो वहाँ वो ये फूड ग्रेन का काम करते थे। तो और हमारा गांव जो था वो रोड से कनेक्टेड नहीं था, तो वहाँ पूरे ये मिट्टी के जो धोरे बोलते हैं, रेतीले टीले सैंड ड्यून्स, वो होते थे। तो उनको ये लगा कि मेरे को ये नया एक बिजनेस शुरू करना चाहिए, तो कम से कम मैं कनेक्टिविटी हमारे गांव की ओर की मैं कर सकूं। जैसलमेर बॉर्डर के पास एक उन्होंने बिड किया, उसको एक टेंडर मिला था उनको, तो वो काम शुरू करते ही भारत पाकिस्तान की लड़ाई शुरू हो गई थी। ये 2000 के बाद जब देश के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी बने थे, उसके बाद ये थोड़ा इस सेक्टर में मूवमेंट शुरू हुआ था, और उन्होंने प्लानिंग वे में काम शुरू किए थे। उन्होंने 2 तरह की स्कीमें निकाली थी, एक तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो रूरल रोड्स को जोड़ने के लिए थी, और एक हाईवे के डेवलपमेंट के लिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो 4 मेट्रोज को जोड़ने के लिए, और एक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो कश्मीर से कन्याकुमारी और इधर जामनगर से एकदम नॉर्थ ईस्ट के लिए, अरुणाचल के लिए। तो उस वक्त उन्होंने प्लानिंग वे में कुछ शुरू किया था, तो हम लोग उसके बाद से 95 के बाद में हमारा मैन कंपनी की ग्रोथ शुरू हुई। जितनी बढ़िया कनेक्टिविटी होगी उतना बढ़िया डेवलपमेंट होगा। अभी गडकरी जी जो बना रहे हैं दिल्ली बॉम्बे नया हाईवे बना रहे हैं पूरा ग्रीनफील्ड, उस पर आप देखिए कि उसके दोनों ओर इंडस्ट्रियल, इतनी जबरदस्त इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा आने वाले टाइम में, और इतनी लोगों को जमीन मिलेगी इंडस्ट्रीज के लिए। कई जगह बंजर जमीनें पड़ी है, उनका कोई यूज नहीं था, बिल्कुल तो वहां पहुंच नहीं थी, लेकिन ये सब डेवलपमेंट होने के बाद इंडस्ट्रीज का देश में जबरदस्त डेवलपमेंट होगा और बहुत एकदम चेंज आएगा इसके बाद। Most of the broking houses in fact have recommended subscribe, saying that the company seems to be enjoying strong fundamentals. For instance, Phillip Capital India Research recommends subscribe and points out that GR Infra has a very strong order book and revenue profile. Over the last 2 decades, the company has transformed itself from a small regional player into a pan-India company. HEM Securities has an interesting explanation, and I quote, "We like the financial performance posted by the company with a healthy balance sheet status. Also, the company has healthy order book which gives strong revenue visibility going forward. The company strives to maintain robust financial position and low debt levels along with emphasis on strong balance sheet. This enables the company to pursue future opportunities for growth." Choice Broking says the issue seems to be attractively priced.